दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि अभी इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, मतलब एक वॉर चल रहा है। खैर अभी स्मॉल स्केल वॉर है, लेकिन फिर भी एक युद्ध चल रहा है। उसमें दोनों तरफ जान माल की हानि हुई है। इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन आज मैं इस युद्ध की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जिसमें एक बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई। वहाँ पे पूरा मीडिया हाउस था, अलग अलग इंटरनेशनल मीडियाज थे वहाँ पे, और लोकल मीडिया के भी कुछ ऑफिसेस थे वहाँ पे। कुछ रेसिडेंट्स भी थे जो रहते थे उस बिल्डिंग में, ठीक है ना। और इसराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि इसमें आतंकी हैं, यहाँ से आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन को, इसलिए हम लोग इस बिल्डिंग को गिरा रहे हैं। और एक घंटे के अंदर पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी गई और उसको नीचे गिरा दिया गया। तो आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्डिंग गिरी तो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एक केस आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग एक स्टडी करते हैं आज कि आखिर उस बिल्डिंग के गिरने का रीज़न क्या रहा, ठीक है ना। किस तरीके से फेलियर हुआ होगा, किस तरीके से वो पूरी बिल्डिंग गिरी होगी, ये आज हम लोग केस स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लग जाते हैं कि ये बिल्डिंग गिरी तो किस तरीके से गिरी होगी, किस तरीके से फेलियर हुआ होगा, कहाँ पर अटैक किया गया होगा, ऊपर की तरफ से अटैक क्यों नहीं किया गया, अटैक किस जगह हुआ होगा कि बिल्डिंग गिर गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। इसके अलावा बिल्डिंग गिरी तो टेढ़ी कैसे गिरी, एक साइड से पहले गिरी फिर दूसरी साइड से गिरी, एक बिल्डिंग वैसी भी थी जो मैंने देखी थी वीडियो में। तो ऐसे बहुत सारे अपने दिमाग में क्वेश्चंस पैदा होते हैं, तो इनके जवाब भी हम लोगों को ही खोजने कि ओवरऑल हम उस चीज़ को कैसे स्ट्रेंथन कर पाए, कैसे मजबूती दे पाए उस चीज़ को कि अगली बार वो बिल्डिंग ना गिरे किसी भी झटके से, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे केसेस हमारे दिमाग में आते हैं। अब वो बिल्डिंग गिरी क्यों, क्या हम लोग इतनी मजबूत बिल्डिंग नहीं बना सकते थे कि वो गिरे ही ना, उस बिल्डिंग पे उस अटैक का कोई असर ही ना हो? तो क्या हम लोग वैसी डिज़ाइन कर सकते थे कि हम उस बिल्डिंग को बचा लेते? हम इंजीनियर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे तो स्वर्ग तक सीढ़ी भी बना सकते हैं, हमारे पास में हर वो चीज़ है जिससे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको मजबूती देना है बेसमेंट में। स्वर्ग की बात तो बहुत दूर की है, वो तो रावण ने भी खैर सोचा था, उससे भी नहीं हुआ। लेकिन अभी तो हम लोगों को अपने ही रहने की व्यवस्था को सुधारना है, तो हम लोग स्वर्ग की बात तो बाद में करेंगे। तो इस सवाल का जवाब है कि हम लोग उतना मजबूत स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, है ना। हम लोग ना तो उसको किसी और फाउंडेशन से इतना मजबूत बना सकते हैं। फाउंडेशन पे हमेशा चीज़ डिपेंड नहीं करती। किसी बिल्डिंग का गिरना हमेशा फाउंडेशन का फेल्योर नहीं कहा जा सकता। हमेशा मतलब, कहने का मतलब क्या है, हमेशा ही, ठीक है ना। वहाँ पे कोई कॉलम फेल्योर भी हो सकता है, कोई बीम फेल्योर भी हो सकता है, उसकी वजह से बिल्डिंग कभी कभी कोलेप्स हो जाती है। तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि फाउंडेशन से ही हुआ होगा जो कोलेप्स हुआ होगा वो। तो अब जब डिज़ाइन की बात की है, तो हम सबसे पहले IS कोड पे जाते हैं। तो जब भी हम लोग कोई डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग की, तो हम लोग IS कोड का रिफरेंस लेते हैं कि IS कोड में किस हिसाब से लोड कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। तो IS कोड में हम लोग देखते हैं कि डेड लोड, लाइव लोड, उसके अलावा जो हमारे विंड लोड हो गए, सिज्मिक लोड मतलब भूकंप से आने वाले जो लोड हो गए, है ना। ये इन सारी चीज़ों को, इन सारे लोड्स को हमेशा कंसिडर करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा भी और भी कोई लोड हो सकता है, जैसे कि वाटर का लोड हो गया। मान लीजिए कि कहीं पे हम लोग देख सकते हैं कोस्टल एरिया में कहीं पे कोई सिटी है, उस पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, सुनामी का खतरा हम लोगों को मालूम है कि मान लीजिए कभी भूकंप आ गया तो सुनामी का खतरा बना रहेगा, तो जो वाटर प्रेशर आने वाला है बिल्डिंग पे, उसके लिए भी हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये बहुत सारे लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमारे IS कोड में दिए हुए रहते हैं, उनको हम लोग यूज़ करके बनाते हैं। लेकिन क्या कहीं पे ऐसा IS कोड है जिसमें मिलिट्री ऑपरेशन से बचने के लिए कोई डिज़ाइन करना हो हम लोगों को? वैसा कहीं पे भी हमारे पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, ये पूरे वॉर के केस में होते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लोग हर एक बिल्डिंग इस तरीके से डिज़ाइन करने लगे कि हम लोग उस लोड को सस्टेन कर लें जो पूरा अटैक से आने वाला है, जो बम्बार्डमेंट से आने वाला है, तो क्या हम लोग कर सकते हैं उसको? हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। और कॉलम ही इतने ज़्यादा बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे हमको कि हमारे पास में रूम का तक का स्पेस नहीं रहेगा, तब आप लोग कैसे बनाएंगे उसको?
और मान लीजिए कि आप लोग ठीक है रूम भी कंसिडर कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा चौड़ी बना दी बिल्डिंग, तब आपकी वॉल भी उतनी ज़्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी और उस तरीके से आपका कॉलम और बीम का डिज़ाइन आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो उस लोड को सस्टेन कर ले। हम लोग कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। क्यों? आज हम लोग M25 कॉलम में यूज़ कर रहे हैं, कल को हम लोग यूज़ करना चाहेंगे उसको बनाने के लिए, तो उसके डबल लोड में काम चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता। उसका डबल क्या ट्रिपल भी, क्योंकि बम्बार्डमेंट का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो कुछ नहीं छोड़ता, बहुत ख़तरनाक धमाका होता है। शायद डबल या ट्रिपल बार आपका 10 की रेक्टर स्केल पे जितना भूकंप आता है ना, मतलब 30 की रेक्टर स्केल पे जितना भूकंप आ रहा है उतना शायद होता होगा। और उसके लिए हम लोग डिज़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो अनइकोनॉमिकल होता है, और ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, ये वॉर के केस में होते हैं रीजंस, इसलिए हम लोग उतनी मजबूत डिज़ाइन नहीं कर सकते, सबसे पहली बात। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फेलियर के केसेस देखना चाहें तो जो अपना भुज में भूकंप आया था, गुजरात में जो भूकंप आया था अगर आपको याद हो तो, जब मैं 12-13 साल का होऊंगा तब की बात है ये, ठीक है ना। तो तब बिल्डिंग कोलेप्स हुई, तो क्यों हुई होगी? उसको डिज़ाइन उस तरीके से नहीं किया गया होगा कि वो उस भूकंप के झटके को सस्टेन कर पाए, इस वजह से फेलियर हो गया, नहीं तो होता क्या? नहीं होता, ठीक है ना। तो फेलियर्स इस तरीके से हो जाते हैं कि हम लोग डिज़ाइन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं। ये तो बात होगी चलिए अपने भूकंप की, लेकिन हम लोग अभी इसराइल के केस की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग गाज़ा की बिल्डिंग की केस की बात कर रहे हैं फिलिस्तीन की। तो वहाँ पे ये फेल्यूर कैसे हुआ? जाहिर सी बात है कि जब भी हम लोग कोई बिल्डिंग गिराते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ से ही गिराते हैं। हम लोग ऊपर से तोड़ना चालू करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे अगर लेबर लेके हम लोग गए तो, और वही बिल्डिंग हम लोग दिमाग लगा के अगर उसको तोड़ें तो वो सेकंडों में टूट जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको, उसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है ना। और जब इसराइल ने एयर स्ट्राइक की होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने जो भी की होगी स्ट्राइक वो बेसमेंट में की होगी, उसने बेसमेंट में धमाका किया होगा और धमाका इतना ज़ोरदार होगा कि वहाँ के सारे कॉलम्स टूट गए होंगे और एक साइड के टूटे भी होंगे और दूसरे साइड के बच गए भी होंगे। तो आप देखना वीडियो में दो धमाके किए गए और उसके बाद में वो पूरी बिल्डिंग कोलेप्स हो गई, ठीक है ना। और जब वो कोलेप्स हुई बिल्डिंग तो पूरी एकदम से धड़ करके नीचे गिरी और हल्की सी साइड में चली गई। अब वो साइड में क्यों गई, इसका भी एक रीज़न है, उसको हम लोग बाद में हम लोगों को समझ में आ जाएगा। जब अभी हम लोग ये बात करेंगे ये चीज़, तो हम लोगों को बाद में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब वो गिरी तो कैसे गिरी होगी, अब इसके पीछे रीज़न है। अब देखिए, अगर बम्बार्डमेंट या जो रॉकेट है वो ऊपर की छत पे आता और लास्ट वाले माले पे गिरता तो बिल्डिंग को शायद उतना नुकसान नहीं होता, वो बिल्डिंग नहीं गिरती। क्यों? क्योंकि उसे लोड कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं स्टेबल बना देता, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग 1.5 टाइम्स तो वैसे भी डिज़ाइन करते ही हैं अपने लोड के हिसाब से, है ना। तो अब उसका रीज़न क्या है कि नीचे की तरफ किया गया, है ना। हमेशा नीचे से ही बिल्डिंग को इसलिए गिराया जाता है क्योंकि जो ऊपर का लोड रहता है वो हमको हेल्प करता है। अब आप इसको फिर से सुनिए, जब भी हम लोग बिल्डिंग को गिराते हैं नीचे से, जब भी स्ट्रक्चर टूटता है तो ऊपर का जो लोड रहता है हमारा पूरा बिल्डिंग का, वो पूरी बिल्डिंग को गिराने में मदद करता है हमारी। अब कैसे, अब इसको एक केस से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई बिल्डिंग गिराना चाहते हैं, हम लोग मान लीजिए कोई 50 साल पुरानी बिल्डिंग है जो ख़त्म हो गई, जिसकी अभी लिमिट ख़त्म हो गई है ना, जिसका एज ख़त्म हो गया है, अब हम उसको पूरा तोड़ना है उसको और पूरा उसको पूरा नया बनाना है बिल्डिंग, ठीक है। बहुत ऊंची बिल्डिंग है, 15 मंजिल की बिल्डिंग है, तो क्या आप लोग एक्सकेवेटर लेके जाएंगे वहाँ पे गिराने के लिए? नहीं। उस केस में क्या किया जाता है, मान लीजिए कि पूरा पोर्च एरिया है, अब आप लोग नीचे से कॉलम तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो कोई वाइब्रेटर वगैरह लेके या कोई वो जो अपनी ड्रिलिंग मशीन लेके, और आप तो लग नहीं जाएंगे ब्रेकर लेके तोड़ने के लिए, उसमें खतरा है। उसमें खतरा ये है कि आप जिधर से तोड़ेंगे अगर उधर से फेलियर हुआ तो बिल्डिंग पूरी झुक के और एक साइड में जाएगी, और पोर्च इलाके में आप लोग ये काम नहीं कर सकते। कभी भी देखिएगा, जब भी बिल्डिंग गिराई जाती है तो पूरी एक साथ एक लेवल पे हर एक जगह पे तोड़ना पड़ता है कॉलम को, उसके बाद में पूरी बिल्डिंग नीचे की तरफ कोलेप्स होना चालू होती है ना। और उसको सीधा गिराने के लिए क्या किया जाता है, जब भी हम लोग बिल्डिंग गिराते हैं तो बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, विस्फोटक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। तो विस्फोटक का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि हर एक जगह पे, हर एक कॉलम पे हम लोग बॉम्ब फिट करते हैं। किस इंटेंसिटी का बॉम्ब,
उस इंटेंसिटी का बॉम्ब कि वो उस कॉलम को क्रैक कर दे, है ना। तो जब कॉलम क्रैक होता है, अब जहाँ से क्रैक हो गया कॉलम वहाँ पे कंक्रीट तो बचेगा नहीं, मान लीजिए कि इतना क्रैक हो गया वहाँ पे कंक्रीट तो बचा नहीं, बचा क्या रेनफोर्समेंट, क्या रेनफोर्समेंट में सिर्फ टिक सकता है बिल्डिंग हमारा, वो भी 15 मंजिल, नहीं टिकता, टिक ही नहीं सकता। 15 मंजिल छोड़िए आप लोग, पहली मंजिल भी नहीं टिक सकती, वो नीचे की तरफ आएगी ही आएगी। तो जब 15 मंजिल की सवाल है, इतनी ऊंची बिल्डिंग गिराने का सवाल है, तो जैसे ही वहाँ पे पूरा बम्बार्डमेंट होगा, जैसे ही वहाँ पे पूरा विस्फोट होगा, वैसे ही वो बिल्डिंग हर एक कॉलम से कोलेप्स होना चालू करेगी। और जैसे वो कोलेप्स होगी तो पूरी नीचे की तरफ आती है, क्यों, क्योंकि पूरा डेड लोड ऊपर में हेल्प करता है उसको नीचे आने के लिए। जैसे ही नीचे का कॉलम टूटा, वापस से ऊपर का लोड आएगा तो फिर पहली वाली मंजिल को तोड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। और जब ऊपर से कोई चीज़ स्टार्ट होती है आना नीचे स्पीड में, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करती है, उस पोटेंशियल एनर्जी से स्पीड बढ़ती है बिल्डिंग के कोलेप्स होने की, और हैंस वहाँ पे फोर्स भी बढ़ जाता है, जो नीचे में फोर्स लगने वाला है हमारा वर्टिकल फोर्स, वो भी बढ़ जाता है, और उसी वजह से वो पूरा फेल्योर स्टार्ट होता है एक साथ, क्योंकि अब फाउंडेशन तो बचा नहीं जिसपे हमारा टिका था, और एकदम से जो झटका लगता है स्पीड का जिससे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है, उससे वो पूरा नीचे की तरफ बिल्डिंग कोलेप्स होने लग जाता है ना। अब इसी बिल्डिंग को आप लोग पहली मंजिल से तोड़ते ना तो शायद उतना असर नहीं पड़ता, आप पहली वाली मंजिल पे जाके और बॉम्ब फोड़ते ना, और वहाँ से जो मटेरियल गिरता है ना वो पूरी बिल्डिंग को नहीं गिरा सकता था। इसलिए हमेशा जब भी टूटती है बिल्डिंग नीचे से टूटती है, जब भी टूटती है, तो इस तरीके से पूरी बिल्डिंग कोलेप्स होती है। कभी भी हम लोग बिल्डिंग जो पुरानी गिराते हैं तो उसको इसी तरीके से गिराया जाता है। दोस्तों ये वीडियो इसीलिए था कि आप लोग समझ सकें कि आखिरकार बिल्डिंग को गिराया कैसे जाता है, वो भी सेकंडों में। आपको बस बॉम्ब लगाना है, दूर हट जाना है, और आपकी बिल्डिंग 10 सेकंड में, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 5 सेकंड में पूरी नीचे, चाहे वो बुर्ज खलीफा भी क्यों ना हो। बुर्ज खलीफा के लिए खैर अलग केस होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मजबूती से बनाया गया होगा, क्योंकि वहाँ पे हवा वगैरह सब होने से पूरा उसका बैलेंस बिगड़ता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर उधर होती है, उसके लिए वहाँ पे पूरा कोर बहुत मजबूत डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन उतना भी मजबूत नहीं कि उसको पूरा रॉकेट बॉम्ब से उड़ा ना सके और गिरा ना सके। जब उस पर भी जाके और बॉम्ब अटैक होगा ना तो वो भी गिरेगी ही गिरेगी। तो कभी भी हम लोग बिल्डिंग गिराते हैं पुरानी, तो ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं बिल्डिंग गिराने के लिए। जब भी कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिराई जाती है, मतलब स्काई राइज बिल्डिंग गिराई जाती है, जिसको हम लोग स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं, उनके लिए हमेशा यही यूज़ होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, ठीक है ना। हमेशा कोलेप्स इसी तरीके से होती है बिल्डिंग। तो ये छोटी सी जानकारी थी, हमको एक केस मिल गया इसराइल का, इसराइल फिलिस्तीन युद्ध का, इसलिए हम लोगों ने उसको कंसिडर किया, और हम लोगों ने जाना कि बिल्डिंग किस तरीके से पूरी कोलेप्स होती है, किस तरीके से गिरती है, कहाँ पे अटैक किया गया होगा कि वो बिल्डिंग गिर गई होगी, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों को क्लियर हो गई। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए सिविल ज्ञान।